इसने क्या बिगाड़ा था इसके, इसकी बेटी की शादी थी अभी दो दिन हो गए ठीक कराया इलाज बाजे उस दवा फुल करना और असल इलाज है उसका पढ़ो। लेकिन अब मैं क्या कर पाऊँ, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा अब मेरा ये ख्वाब पूरा हो पाएगा। जवान साल डॉक्टर अपने पीछे दो बेटी और एक बेटी को छोड़ गए हैं, एक आवाम के लिए अपने आप को सर्फ करने वाला डॉक्टर भी उसको भी नहीं बख्शा गया है। शुक्र गुजार जाजोस नमाज जिनती वक्त वक्त पर इमामत तो उस मुझ मुझ करा ये शादी गैर उस आसा गाड़ी में। वहाँ मुझे बोला बेटे आप पढ़ो, जहाँ तक मेरी मुझ में हिम्मत है मैं लड़ूंगा आपके लिए, लेकिन आपको आईएएस ऑफिसर बनाऊंगा, ये मेरा ख्वाब है, ये आपके दादा का ख्वाब था, लेकिन आपको मैं बनाऊंगा, आप पढ़ो। लेकिन अब मैं क्या कर पाऊँ, मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा अब मेरा ये ख्वाब पूरा हो पाएगा। 8 बजे खबर लग गई कि डॉक्टर साहब तो बहुत सीरियस इंजर्ड हैं। हम तो रश पड़े यहाँ, घर सब आ गए, पूरी आवाम पूरी बस्ती आ गई, तो हमने 9:05 में पता मिला कि डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है। तो लाख बरात भर लोग भर जारो कतार चीख पुकार की आवाज़ कर रो रहे थे, और आखिर तक सुबह तक हमने इस सर्दी में भी इंतज़ार किया कि जब तक सुबह आज हमारे साथ आ गए है, डेड बॉडी आ गई ही है। हमने उसको आखिरी रसूमात के लिए अभी जनाजा पढ़ाया, अब जनाजा वापस अगर दफनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों का हजूम है, लोगों की भीड़ देखकर एडमिनिस्ट्रेशन से सब आ गए, और इस वक्त ये हालात है कि अब हम वापस सुधर रहे और घरों में आताजत के लिए लोगों का हजूम है। हम सब से परेशानी में है क्योंकि अब उसके अयाल पर नज़रें हैं। गवर्नमेंट से ये इच्छा है कि उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव समझे कि ताकि ये मसला कभी किसी को ज़रूरत पड़ती थी कि इलाज की, इलाज मुलजे की, और ये उनको बिला मुआवजा बिल्कुल कोई फीस नहीं लेते थे और उनको अपनी सर्विस फरहम करते थे। लेकिन अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि क्या जी अम कट इन लूकन हज खजमत प्रत खाम आयाल छुस लकुट आयाल छुस खास कर अम सिंह खानदारी वारिया शरीफ यम मौसूम बच पर्नायन इमन सहारा वनकस कहें पलिमस मज कान जानकारी वनकस इन गोस क्या रोजगारा मिलन बिचार पथ वन इन सहारा पत्क कहें।